हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन का चैप्टर, और इंटीग्रेशन के चैप्टर में मैंने आपको 9.3 के ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए थे, और जो कुछ छोड़ा है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। ठीक है, तो अब अपन आज आगे शुरू करते हैं। हम अभी तक इंटीग्रेशन में सो फार क्या पढ़ चुके हैं? एक तो 9.1 में डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनसे बेसिक इंटीग्रेशन की फॉर्मूला बनाए, और उस पे बेस्ट बेसिक क्वेश्चंस अपन ने की 9.1। 9.2 में हमने ये देखा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और उसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। साथ ही साथ 9.2 में ही हमने कुछ 5-6 तरीके के नए पैटर्न्स पढ़े, जिसमें वे इस तरीके का क्वेश्चन उसको करने की ये स्टेप्स होती है, वो अपने आगे भी पूरे चैप्टर में काम आएंगी। और 9.3 में हमने 6 नए फॉर्मूले, ठीक है, 1/(x²-a²) टाइप के, उनके डेरिवेशन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और 1/(quadratic), 1/√quadratic के क्वेश्चंस, और कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस थे जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड थे, वो हमने की। आज हम इंटीग्रेशन का एक नया मेथड सीखेंगे, तो उसका बेसिक पढ़ेंगे पहले क्लास में, फिर उसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आज का अपना टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन को जो है हम हिंदी में बोलते हैं आंशिक भिन्ने। ठीक है, तो पहले इसमें समझते हैं कि किस टाइप के फंक्शंस जो है उनकी आंशिक भिन्ने या पार्शियल फ्रैक्शन बनती है। तो उसमें जो सबसे पहले चीज समझना जरूरी है वो है आपका रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन हिंदी में अपन इसको बोलते हैं परिमेय फलन। ठीक है, तो जैसे रैशनल नंबर होता है उस तरीके से ही रैशनल फंक्शन होता है f(x/gx), यानी कि x का कोई फंक्शन है अंश या न्यूमरेटर में, और x का ही कोई फंक्शन है हर या डिनोमिनेटर में। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको अपन बोलते हैं परिमेय फलन। इसमें x की जो पावर्स होती है वो इंटीजर होती है। ठीक है, अब ये जो परिमेय फलन है इसके भी दो टाइप हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट उचित परिमेय फलन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन हम किसको कहते हैं? दूसरा होता है अनुचित परिमेय फलन, या इसके लिए विषम शब्द भी यूज ले लेते हैं, अनुचित या विषम परिमेय फलन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो अब ये समझते हैं भाई किसको हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं। प्रॉपर रैशनल फंक्शन वो होगा जिसमें जो f(x) है, यहां पे f(x) से मेरा मतलब है जो न्यूमरेटर में ऊपर लिखा हुआ फंक्शन है, उसकी जो उच्चतम घात है, हाइएस्ट पावर ऑफ f(x), हाइएस्ट पावर ऑफ f(x), f(x) की जो उच्चतम घात है वो छोटी होनी चाहिए g(x) की उच्चतम घात से। मैक्सिमम पावर ऑफ g(x), व्हाट डज इट मीन? मान लो कि फंक्शन इस टाइप का है, फॉर एग्जांपल कि
3x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। अब इसमें जो fx है, fx से मतलब यहां पे हम किससे लगा रहे हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें जो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 1, और यहां gx की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है 2। तो न्यूमरेटर वाले फंक्शन की मैक्सिमम पावर जो 1 है वो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की मैक्सिमम पावर से कम होनी चाहिए, जैसा कि यहां है। तो हमको ये पूछा जाएगा ये फंक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तो हम बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से कम है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। बस डेफिनेशन ये इतनी ध्यान रखनी, पर ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम तो सबसे पहले उसमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या फिर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो अब जो बच गया वो सब इसमें आ जाएगा। क्या बच गया कि fx की जो उच्चतम घात है, ठीक है, वो या तो बड़ी हो या बराबर हो, तो या तो बड़ी हो या बराबर हो gx की उच्चतम घात से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x क्यूब माइनस 5x अपॉन x माइनस 1 2x प्लस 3। तो यहां पे इस फंक्शन में मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, और यहां पे 1 नहीं है पावर, पावर का मतलब पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद में x की पावर का मतलब है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x की ज्यादा से ज्यादा जो पावर बनने वाली है वो 2 बनने वाली है। तो यहां पे पावर 2 है और यहां पे पावर 3 है। तो fx की उच्चतम घात बड़ी है gx की उच्चतम घात से, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। और इक्वल भी हो जाती है, अगर मान लो यहां मैं ऐसे कर देता हूं तो अब दोनों जगह पावर कितनी हो गई है 2 हो गई है। इक्वल भी अगर हो जाती है देन आल्सो दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर, अनुचित परिमेय फलन। सबसे पहले तो ये चीज हमको समझना जरूरी, बड़ी आसान सी चीज है, आराम से समझ सकते, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें, ठीक है। तो अब अपन आएंगे भाई, ये हमने समझ लिया तो इसके आगे प्रोसीड करेंगे। आगे क्या प्रोसीड करेंगे, तो उचित परिमेय फलन होगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं, उसको आंशिक भिन्नों में कैसे हम तोड़ते हैं, ये समझना है ना। तो हमारा अब टॉपिक है उचित परिमेय फलनों को। अभी इंटीग्रेशन पे बाद में आएंगे हम, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक चीज समझनी पड़ेगी। उचित परिमेय फलनों को आंशिक भिन्नों में वियोजित करना, ठीक है, एक्सप्रेस द प्रॉपर रैशनल फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, क्या इसका तरीका है वो समझे आप। मैं एग्जांपल ले लेके बात समझा देता हूं। फर्स्ट टाइप का इसमें आप देखो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे 3x माइनस 2 x प्लस 4 3x माइनस 4। तो सबसे पहले अभी मैं इंटीग्रेशन की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फॉर्म होती है। तो पहले तो देखो यहां पे x की मैक्सिमम पावर 1 है, और यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो पहला काम इस क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपने देखा कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो आपको सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, जो हर में फलन है, जो नीचे लिखा हुआ है, उसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहां तो ऑलरेडी होए हुए हैं, लीनियर से आगे तो फैक्टर होने से रहे, मान लो ये मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ होता तो हम इसको फैक्टराइज करते, तो ये पहला काम होगा, बट वो यहां किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखो, जब आप फैक्टराइज कर लोगे, आपने ये पता लगा लिया प्रॉपर है, पहली बात ठीक है, फिर आपने डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के फैक्टर्स कर लिए, ठीक है ना, बिना फैक्टर किए काम नहीं होगा, फैक्टर कर लिए। अब उसके आगे की प्रोसेस देखो क्या है, अब मैं जो इधर लिख रहा हूं वो पार्शियल फ्रैक्शन होगी। आप क्या करोगे, इस लीनियर फंक्शन के लिए एक कॉन्स्टेंट ले लिया आपने कैपिटल ए, कोई भी ले सकते हैं, हमने यहां कैपिटल ए बोल दिया,
और इसके अपॉन में पहला लीनियर फंक्शन लिख दो, इसका कोई काम नहीं है। एक कांस्टेंट लिया, कोई भी ले सकते हो, कैपिटल ए ले लिया, अपॉन में पहला लीनियर फंक्शन प्लस एक दूसरा कांस्टेंट ले लोगे आप और अपॉन में दूसरा लीनियर फंक्शन, ऐसे अगर तीसरा भी होता तो हम एक तीसरा कांस्टेंट ले लेते सी और अपॉन में तीसरा लीनियर फंक्शन, ऐसे हम लिखेंगे। तो ये इस फंक्शन को इस तरीके से लिखना, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना, इसको आंशिक भिन्नों में लिखना। यानी इसका क्या मतलब है, ए और बी की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी है जो यहां अगर पुट की जाए और फिर इसको एड अप किया जाए तो ये आएगा। वो ए और बी की वैल्यू क्या है, वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। अभी आपको पहले ये सीखना है कि इससे ऐसे ब्रेक करने का जो तरीका है ये, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो मैं आज की क्लास में आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन का पहला तरीका मैंने बताया और इसी में बेस्ड कुछ दो तीन क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, क्योंकि इसमें चार पांच तरीके हैं, एक साथ सारे बताऊंगा तो मिक्सअप हो जाएगा, समझने में दिक्कत आएगी, एक एक करके लेंगे। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को समझने में। तो चलिए अब इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, और उसको समझते हैं इंटीग्रेशन वगैरह कैसे करेंगे। हाँ जी, देखिए 9.4 अपन कर रहे हैं, तो 9.4 का क्वेश्चन अपन लेके, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पे बेस्ड आपके। ओके, 9.4 का मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ बेटा, 5 ले रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, I is equal to x square अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, ये क्वेश्चन हमको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम इंटीग्रेट, तो एक बार के लिए भूल जाओ, पहला काम आप ये पता लगाओ कि जो फंक्शन हमको दे रखा है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो आप यहां देख रहे हो यहां पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और यहां जब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ऊपर वाले फंक्शन की पावर नीचे वाले फंक्शन से कम होनी चाहिए, है तो प्रॉपर हो गया। तो पहले स्टेप क्लियर हो गई कि प्रॉपर है। दूसरी बात, अगर प्रॉपर है तो पहला काम क्या बताया मैंने, डिनोमिनेटर हर में नीचे जो फलन लिखा हुआ है, जो फंक्शन लिखा, उसको फैक्टराइज करो। तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, इससे आगे ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर नहीं हुआ होता तो करते, वैसा भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ऑलरेडी फैक्टराइज है, दोनों काम हो गए। अब तीसरा काम आता है अगर फैक्टराइज है तो, अभी जो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है इसको बताया, वैसे ब्रेक करो। तो आप क्या करो, विदाउट इंटीग्रेशन इस फंक्शन को ले लो इधर, विदाउट इंटीग्रेशन इस फंक्शन को ले लोगे भैया। अब क्या तरीका बताया, एक कांस्टेंट ले लो कैपिटल ए और अपॉन में पहला लीनियर फंक्शन, फिर एक दूसरा कांस्टेंट ले लो कैपिटल बी अपॉन में दूसरा लीनियर फंक्शन, फिर एक कांस्टेंट ले लो कैपिटल सी अपॉन में तीसरा लीनियर फंक्शन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, अभी जो बताया उस हिसाब से। अब देखो आगे का प्रोसेस, इसको नंबर वन करो। अब आपको यहाँ ए बी और सी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे? इधर तो जो लिखा है वो लिखा रहने दो, और तो क्या करोगे इसका, कोई मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है। और इधर की साइड में आप इसको एलसीएम लोगे, क्या एलसीएम आएगा, तीनों साथ आ जाएंगे, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। एक्स प्लस वन से डिवाइड किया तो ये हट गया, ये दो रह गए इसके साथ इंक्रीज, बिना मल्टीप्लाई के। एक्स माइनस टू में ये हट गया, ये दो रह जाएंगे, एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री, और इसमें ये हट जाएगा, ये दो रह जाएंगे, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ठीक है। ऐसे कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या करोगे, दोनों साइड को कंपेयर कर लो, या कह सकते हो ये कैंसिल हो रहा है। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर करोगे तो ये तो दोनों सेम है, ये इसको ये दोनों कंपेयर होंगे ना,
इसकी इक्वल में ये आ जाए। कुछ मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसा लिखा है वैसे ही लिखा है, लिखा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करना है। यहां तक आने के बाद ये एक इक्वेशन है, बीच में इक्वल लगा हुआ है। ये हमेशा ट्रू है एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए। ये इक्वल है मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल है, तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। बट फॉर कैलकुलेशन को इजियर बनाने के लिए आपको वैल्यू पुट करनी चाहिए यहां से इसको जीरो मान लो, तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी? माइनस वन। तो आप यहां माइनस वन पुट कर दो इसके अंदर। तो यहां आपने लिखा पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस वन। यहां माइनस वन लगाया तो वन हो गया भैया। यहां पे माइनस वन लगाया तो माइनस थ्री। यहां माइनस वन लगाया तो माइनस फोर। माइनस थ्री इंटू माइनस फोर ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व ए आ गया यहां से। जैसे यहां माइनस वन लगाओगे तो ये जीरो, तो फिर आगे रखने की जरूरत नहीं है, पूरा जीरो। जैसे यहां माइनस वन लगाया तो ये भी जीरो, आगे रखने की जरूरत नहीं है, पूरा जीरो। तो यहां से आपके पास पहले कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई वन बाई टू। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। अब इसको जीरो मान के किया था, अब इसको जीरो मानो। इसको जीरो मानोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? टू। तो आप यहां लिखोगे पुटिंग एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, यहां पे आपने टू पुट किया फोर। यहां पे आ गए, यहां टू पुट करते ही जीरो, पूरा जीरो हो गया। यहां टू पुट किया थ्री, यहां टू पुट किया माइनस वन। थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, तो माइनस थ्री बी है ना भाई। अपन ने पुट किया था टू, तो ये थ्री हो गया, ये माइनस वन हो गया, तो माइनस थ्री हो गया। और जैसे यहां टू पुट करोगे ये जीरो हो गया। तो यहां से आपके पास दूसरे कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब आ जाओ आप लास्ट वन है। अब इसको जीरो कंसीडर करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? थ्री। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू थ्री। ओके चलो जी, यहां लगाओ नाइन हो गया भैया। जैसे यहां थ्री पुट करोगे पूरा जीरो, यहां थ्री पुट करोगे ये पूरा जीरो, यहां थ्री पुट करोगे तो ये तो हो गया फोर, और ये हो गया वन, तो फोर सी हो गया। तो सी की वैल्यू आ गई यहां से नाइन बाई। तो आपके तीनों कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। अब एबीसी की वैल्यू जो आई वो वहां पुट कर दो जाके, जहां आपने एबीसी कंसिडर किया था। कहां किया था? इक्वेशन नंबर वन में। तो यहां आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी। इन इक्वेशन नंबर वन। ओके यहां एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। यहां ए की वैल्यू पुट करनी है वन बाई ट्वेल्व, वन बाई ट्वेल्व एक्स प्लस वन। b की वैल्यू पुट करनी है माइनस फोर बाई थ्री, माइनस फोर बाई थ्री एक्स माइनस टू। सी की वैल्यू पुट करनी है नाइन बाई फोर प्लस नाइन बाई फोर एक्स माइनस थ्री। ये हमने a, b और c की वैल्यू पुट कर दी। अब पुट करने के बाद में आपको i की चाहिए ना वैल्यू, आपको इसका इंटीग्रेशन पूछा, यानी i चाहिए। हमने इसको i माना था, तो ये i कब बनेगा? ये वाला फंक्शन आई कब बनेगा? जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री डीएक्स। अब आ जाएगा ये वन बाई ट्वेल्व, तो बेटा कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेट कर लो। आप इसको इंटीग्रेट करोगे वन अपॉन एक्स प्लस वन, माइनस फोर बाई थ्री भी कॉन्स्टेंट है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे वन अपॉन एक्स माइनस टू। 9 by 4 भी कांस्टेंट, आप इसको इंटीग्रेट करोगे 1 upon x minus 3। ठीक है, अब देखो ये तो आपका जो है i बन गया 1 by 12 कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? 1 upon x की तरह। क्या मैं इसको x मान सकता हूँ? क्या इसको x माना जाता है? ax plus b को x माना जाता है, तो मान सकते हैं। तो 1 upon x की तरह करोगे, 1 upon x का इंटीग्रेशन log mod of x, log mod of x मतलब x plus। फिर जिस में आपने इसको x माना ना, तो इंटीग्रेशन में आप जिसको x मानते हो उसमें x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करते हो,
बट यहाँ x का कोफिशियंट 1 है ना, तीनों जगह ही 1 ही है, तो डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले में आ जाओ माइनस 4/3, ये भी 1 अपॉन x की तरह ही होगा, log mod of x minus 2, अगेन x का कोफिशियंट 1 है, 9/4, और ये हो गया log mod of x minus 3, इंटीग्रेशन इज कंप्लीट। तो लास्ट में हमने c ऐड कर दिया, ये आपका इस तरीके से इंटीग्रेशन होगा, बहुत आसान है, बस इतना समझ लेते हो आप, अगर ये चीज समझ लेते हो तो आगे एक क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, इस टाइप के 10 क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे तो ऐसे ही होने वाले हैं। ये फर्स्ट टाइप की जो पार्शियल फ्रैक्शन है प्रॉपर रैशनल फंक्शन में, उसको इंटीग्रेट करने का तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, एक दो बार रिवाइंड करके बातों को समझना चाहिए समझ लेंगे, उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन इस मेथड से किए जा सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए कर लो। अब एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ इसी तरीके का, जिसमें फैक्टराइज करना पड़ता हो, इसमें तो ऑलरेडी फैक्टर किए हुए थे, है ना। तो देखो देखो ये एक और क्वेश्चन में लेता हूँ इसी टाइप का समझाने के लिए, जिसमें फैक्टर वगैरह करने की जरूरत पड़े हमारे को। ओके यू सी क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x, x प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x। तो पहला तो काम आपका क्या होगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या नहीं। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से कम है, प्रॉपर। दूसरा काम प्रॉपर है तो नीचे वाले फंक्शन को फैक्टराइज करो जो कि नहीं हुआ हुआ है, तो आप पहले इसको फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, x प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज करना है, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना आता होगा, माइनस 6 है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, x फिर ये यहां से आप x कॉमन लिया, माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3। इन द नेक्स्ट स्टेप x यहां से x माइनस 3 आ गया और x प्लस 2। अब देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही हो गया है, 1, 2, 3 लीनियर पार्ट्स आ गए, आगे का प्रोसेस अभी जो बताया वही, फिर भी एक बार मैं इसको वापस से समझा रहा हूं। जब आपने देख लिया फैक्टराइज हो गया तो फंक्शन को विदाउट इंटीग्रेशन लिखो पहले, विदाउट इंटीग्रेशन पहला लीनियर पार्ट है, कैपिटल ए लिखा अपॉन में x पहला लीनियर पार्ट, फिर कैपिटल बी लिखा अपॉन में x माइनस 3, फिर कैपिटल सी लिखा अपॉन में x प्लस 2, एक नंबर पर ने इसको मान लिया। आगे की प्रोसेस क्या है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, x x माइनस 3 x प्लस 2, ए के साथ में क्या आ जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 2, b के साथ में क्या आ जाएगा, x x प्लस 2, और c के साथ में क्या आ जाएगा, x x माइनस 3। अब कंपेयर कर लो दोनों साइड्स में, कंपेयरिंग बोथ साइड्स कंपेयर करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू a के साथ में x माइनस 3 x प्लस 2, b के साथ में x x प्लस 2,
और c के साथ में x x माइनस 3, ठीक है। नाउ वैसे तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए यहां से इसको जीरो मान लो, x की वैल्यू जीरो रखोगे सबसे पहले आप, यहां पे जीरो लगाया तो 1 माइनस 3 2 तो माइनस 6 a, यहां जीरो लगाने से पूरा जीरो, यहां जीरो लगाने से पूरा जीरो, a की वैल्यू माइनस 1/6, पुटिंग x इज इक्वल टू, कितना लगाओगे x की वैल्यू 3 लगाओगे, तो 3 लगाया तो यहां कितना हो गया बेटा 4 हो गया। उसके बाद में 3 लगाने से ये तो 0 हो गया, यहां पे 3 यहां 5 15 हो गया भाई, और यहां 3 लगाने से 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 4/15। आगे मूव करोगे अब कितने लगाओगे x की वैल्यू, माइनस 2 लगाओगे, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहां माइनस 2 लगाओगे तो कितना आएगा माइनस का 1, यहां माइनस 2 लगाते हैं 0 यहां 0, माइनस 2 माइनस 5 प्लस का 10, c इज इक्वल टू माइनस 1/10 हो गया, a b c की वैल्यू आ गई। अब ये जो a b c की वैल्यू आई है इसको आप पुट कर दोगे यहां पे, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो लाइन लिख लोगे, मैं यहां पुट करके सीधा अपनी जगह भी कम है मेरे को इरेज करना पड़ेगा, या फिर ये मैंने छोड़ दिया है पूरा, ये इतना लिख सकते हो आप वीडियो पोस्ट करके, थोड़ा मैं इधर से इरेज कर देता हूं समझाने के लिए, जगह सही थोड़ी। हाँ भैया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी इन इक्वेशन नंबर 1, ये रही आपके पास। हाँ जी, ए की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 1/6, बी की कितनी आई थी 4/15, और सी की कितनी आई थी माइनस 1/10, सब जगह यहां ए बी सी की वैल्यू अपन ने यहां लगा दी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, माइनस 1/6 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/x इंटीग्रेट होगा, 4/15 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/x माइनस 3 इंटीग्रेट होगा, ये इधर लिख रहा हूं माइनस 1/10 1/x प्लस, बस हो गया क्वेश्चन। आई माइनस 1/6 log mod of x 4/15, ये भी 1/x की तरह होगा, log mod of x minus 3 minus 1/10 log mod of x plus 2 plus c, that is answer। तो I think ये first type का जो partial fraction का integration है वो मैंने आपको बता दिया है ढंग से कि किस तरीके से होगा। अब मैं आपको questions बता रहा हूँ, अगर कोई घर पे practice कर रहा है तो कौन कौन से question इस तरीके से हो जाएंगे वो आप सुन लें ढंग से और सॉल्व करें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ छोड़ देंगे, उसको दूसरे टाइप में आएगा वो, फिर उसके बाद में फिफ्थ मैंने बता ही दिया है, और एट तो जाएगा, टेंथ मैंने बता ही दिया है, और बस ये इतना ही है जो मैंने आज पढ़ाया आपको, उसके बेस पे इतने क्वेश्चन हो जाएंगे जो मैंने बोले, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे और कोई दिक्कत होगी तो अगली क्लास में ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।